प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अ नेशन था वो डिसीजन था बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप. एक बार वो डिसीजन हो जाए देन द सिविल. ये जो कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था. वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए. ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा. हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए. तब से आज तक नहीं किया. अब तो बहुत कंफर्टेबल है. 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें हम अपने लोगों को खिला सकते हैं. ग्रैनरीज आर ओवरफ्लोइंग. पाकिस्तान की अगर आप मुझे माफ करेंगे जो मैं ये समस्या देख रहा हूँ, देयर इज नो क्लैरिटी कि आप लोग करना क्या चाहते हैं. आपके एक पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते थे. तो कुछ हुआ मेरा ख्याल 2020 या 21 में, कुछ ही कंपनी ने बोला को जो ड्रिल कर रहे थे तेल के लिए कि जी कुछ साइंस आए, बस वो पहुंच गए. अजी अब तो हम दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे. और 6 हफ्ते के बाद वो कंपनी कहती जी हमें तो ठेंगा मिला है, हम तो जा रहे हैं. ये सब कहने की क्या सोच. फिर वो कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था उसमें बोला ओ जी बस ये तो गेम चेंजर हो गया. एक MOU नहीं साइन. मैम समस्या ये है, मैं बता देता हूं, आपकी समस्या इज नॉट द पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट, इट इज द पीपल्स होप्स. जब आप उम्मीद उनकी उठाते हैं अजी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो जो निराशा होती है वो बहुत खतरनाक. एंड दिस आई बिलीव जो समस्या है. हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? वेरी सिंपल. IMF का तो है, जो लोन आपको मिलेगा वो मिलेगा. यू कैन ब्लेम अल्लाह फॉर दी सलाब आया था, ये हो गया वो हो गया, वो सब हमारे पास भी बहुत सलाब आए थे. रियलिटी इज द पीपल हैव टू गेट टुगेदर, रीडिस्कवर देयर फेथ इन द कंट्री कि हम चाहते हैं. हमने पाकिस्तान ले बन गया हमारा 1947, राइट और रॉन्ग आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट. आपका देश आपको मुबारक हो, वी एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट, माई फैमिली बाय द वे माई फादर इज. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब और ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा. तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद जय भारत. माय मदर फ्रॉम लाहौर. दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मुलाकात हुई थी और 1948 दे गॉट मैरिड. 1951 I arrived. So I'm a product of partition in many ways. And you know, very proudly, I my mother was extraordinarily beautiful. That's what explains my very good looks. Anyway, that's an aside. So आप लोगों का जो अपनी बेटी के सामने तो कह सकता है ना, बाकियों के सामने नहीं कह सकता. तो so बच्चे हम लोग जो देख रहे हैं, if you can actually be consistent, be clear. लोगों के सामने एक गोल, मोटिवेशन, फिर देखिए क्या होता है. अब हम लोग जब बात करते हैं, वी आर नाउ इन 2023 और हम बात कर रहे हैं 2047. अब 24 साल बचे हैं. और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 African countries ऑन कारगिल एंड ले, पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है, कर दोगे? तो हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे और 2047 से बहुत पहले कर देंगे. You know, we are going berserk at this time. The infrastructure binge. पता नहीं आप पढ़ती हैं कि नहीं अखबार. हम पागल हो गए हैं. धड़ाधड़ सड़कें बन रही. अब जो दो शहर हैं दिल्ली और जयपुर, और जयपुर, माई वाइफ इज फ्रॉम जयपुर, 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी, एक ही बेगम है. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग टू जयपुर. अब ये बना रहे हैं एलिवेटेड हाईवे. दे हैव जस्ट अनाउंस्ड. क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है फिर उसके साथ एंसिलरी डेवलपमेंट होती है. उसके साथ जब सड़क बनेगी, दुकानें खुलेंगी, घर बनेंगे, रैंप्स बनेंगे, सीमेंट की डिमांड होगी, ग्लास की डिमांड होगी, बहुत सी चीजों की डिमांड होगी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव्स द इकॉनमी. वहां पे आप गलत हो. सेकेंड इज एजुकेशन. मैम अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी है. महाभारत में जब धर्मपुत्र अपने भाइयों को ढूंढ रहे थे, 4 भाई मूर्छित होकर गिर पड़े थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया था. और फिर यक्ष ने धर्मपुत्र से कहा कि ये चारों उठ जाएंगे, प्लीज टेल मी इंसान की सबसे बहुमूल्य, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन क्या है. धर्मपुत्र बोले एजुकेशन. बेटी 10,000 साल पहले हम साक्षरता, लिटरेसी की बात करते थे जब ये गोरे, माफ करना, नंगे जंगलों में हू करके घुमा करते. दिस हैज बीन आवर ट्रेडिशन. Education. So that's the second. पहला हमारा infrastructure है, second education.
सबसे बड़ी चीज जो हमारी है जिसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM, जे फॉर जन धन योजना, 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं 135 करोड़ की आबादी के। नया बच्चा पैदा होता है उसका अकाउंट एकदम नहीं खोलते, थोड़ी देर में खोल देते हैं, दैट्स द जन धन योजना। ए इज आधार और एम इज मोबाइल, और तीनों की मुखालफत हुई थी, तीनों में लोग कोर्ट्स में गए और बोला कि ये जो जनधन योजना है ये जीरो बैलेंस आप बैंक में रखते हैं तो बैंक को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए रखेंगे वो पैसा कुछ लोन करेगा और सूद कमाएगा, पर यहां तो उसके पास है ही नहीं, तो उसकी बहुत मुखालफत हुई, कोर्ट में गए, हार गए जिन्होंने मुखालफत की। फिर आधार के ऊपर कहने लगे जी हमारी प्राइवेसी, उसके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, वो भी केस हार गए। और फिर मोबाइल पे तो पता है 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, पता नहीं क्या क्या स्कैम्स के पीछे पड़े, बट दैट जैम ट्रिनिटी उसने जो हमें इम्पेटस दिया, कनेक्टिविटी आई है, अवेयरनेस आई है और पहचान आई है इंडिविजुअल, और एक बार आप शुरू हो जाओ देन इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, फिर लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम भी कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर, सर बिल्कुल मेरी आवाज ठीक आ रही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, थैंक यू सो मच सर, सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल से पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत हुई है, चाहे इकोनॉमी को लेके हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, अब इसकी जिम्मेदारी फौज के ऊपर आती है, एजेंसीज के ऊपर आती है, या जो हमारी गवर्नमेंट्स आती रही हैं चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान की, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितने की मिलिट्री हमारी जिम्मेदार है? सरकार को बनाता कौन है, आप लोग ही बनाते हैं, मिलिट्री भी आप ही लोगों से आती है, चंद्रमा से तो आई नहीं। एक सवाल आपसे पूछता हूं बेटी, आप जवाब दीजिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनकी डेवलपमेंट किसने की थी? चंद्रमा से लोग आए थे, मंगल ग्रह से लोग आए थे, समुद्र से निकल के लोग आए थे, या इनके अपने लोग थे? इनके अपने लोग थे। मैं अभी तक 5 करोड़ नौजवान भारतवासियों से बात कर चुका, आई ट्रैवल द कंट्री, कि भाई किसने किया? बोले उनके लोगों ने। मैंने कहा फिर हमें क्या तकलीफ, व्हाई कांट वी डू इट? ये जोश आना चाहिए मैम। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी एनालिसिस आप करते रहिए, लेकिन भगवान ने हमें आंखें सर के आगे दी है, वी लुक अहेड। और हर जगह में सबसे आसान तरीका होता है पॉलिटिशियन को गाली दो, मिलिट्री को गाली दो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, पर अपने अंदर झांक के देखिए ना कि मैंने क्या किया है। और हम लोग अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रही हैं कि मैंने जो इस समय जो मैंने ये ट्रैक सूट का टॉप पहना हुआ है, आई हैव द फ्लैग हियर, छोटा सा मैंने पहन रखा, आप देख रही हैं, एवरी इंडियन वेयर्स दिस। हमने ये नया शुरू किया था हर घर तिरंगा, पीएम साहब ने ये आदेश दिया, ये आंदोलन चलाया था हर घर तिरंगा, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, हमेशा हर घर तिरंगा। द प्राइड, यू हैव टू सी दिस प्राइड टू बिलीव इट बेटी, गांव गांव में बात होती है। अब देखिए मैं आपको मजे की बात, ये पेटीएम इज एन इंडियन प्लेटफॉर्म जिसे हम पेमेंट्स करते हैं, जैसे गूगल पे है और ये है वो है। आजकल तो मजाक ये है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो कोई भिखारी आता है, उसको कहते हैं बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, अरे फोन तो है सर, पेटीएम से दे दो, तो ये वो मजाक करते हैं। और एक दिन में बेटा जैम में जो जन आधार और मोबिलिटी है, जनधन एंड आधार एंड मोबिलिटी, 40 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन एवरी डे, जिसमें से 38 करोड़ हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो असल में क्या है, डिसीजन हैज बीन टेकन कि लोगों का जीवन जितना आसान बना सकते हो वो बना। अब आपके यहाँ किसकी गलती है, भूखे क्यों हैं सब लोग, इतनी करप्शन क्यों है, इसका निर्णय आपने करना। आई एम नो वन टू से एनीथिंग ऑन दिस। मैं तो कह सकता हूँ फौज की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, नो, गलती होनी थी, हो रही है, एक दौर से आप गुजर रहे हैं, बट यू हैव टू लुक टू द फ्यूचर बेटी। निराशावाद समझते हैं, सिनिसिज्म, वो आपको ताकत नहीं देता, वो आपकी ताकत चूस लेता है। ये जो बीबीसी की फिल्म बनी थी ऑन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, 20 साल पुराना केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया था, ये इसलिए बनाया जाता है कि निराशावाद करे, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ होप इन इंडिया, कि भाई अब इस होप को किसी तरह से तोड़ा जाए, ये जो ऑप्टिमिज्म है इसको तोड़ा जाए, वो सक्सीड नहीं हो रहे। सो पाकिस्तान का फॉर्मूला, फॉरगेट द फिगर्स, इकोनॉमिक फिगर्स आई विल वर्क आउट फॉर यू, लेकिन सबसे बड़ी चीज है फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्व्स और आपके देश के भविष्य में, ये आ जाए बाकी सब हो जाएगा।
बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर है कि आपकी बात भी लोग सुन रहे हैं और आपकी बात सुनते रहते हैं, बल्कि हम टीवी पे भी अक्सर सुनते रहते हैं, तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने किया, एंड मे गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड यू इन पर्टिकुलर। जाइए उन ऊंचाइयों पे जाइए, हमें खुशी होगी, हम नाराज, वी डोंट हैव एनी बिलीफ इन शाडेनफ्रॉइड एपिक किसी कि अगर जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है हमें गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा नहीं आ रहा, हमें खुशी होती है। We are not your eternal enemy. Make us your eternal friend. Thank you so much, sir. All the best, baby. All the best. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको इसमें काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।